मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने बताया कि रविवार की रात में दिल्ली से गोरखपुर पहुंचे व्यक्ति को यहां इलाज के दौरान जांच में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जहां उसका इलाज बीआरडी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। वहीं एक अच्छी खबर सामने आई कि कोरोना पॉजिटिव मरीज के साथ आने वाले तथा उसके पुत्र के जांच में कोरोना नेगेटिव पाया गया है। इसका यह भी मतलब है कि जिले में कोरोना का संक्रमण नहीं है। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा कि पीड़ित के गाँव हाटा बुजुर्ग को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज कराया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, सर एक कोरोना पॉजिटिव क्या आगे करने के लिए देखिए, जो कोरोना पॉजिटिव केस हम लोग के संज्ञान में आया है मिस्टर, वो बेसिकली दिल्ली का केस था और वो सफदरजंग हॉस्पिटल से रिलीज हुए थे और वो जो हैं बाय प्राइवेट एम्बुलेंस यहाँ पर आए, खजनी तहसील पड़ती है उड़वा बाज़ार के पास में, और बहुत समझदारी से जो गांव के प्रधान हैं उन्होंने और उनको गांव के अंदर ना जाते हुए उनको सीएससी जो की सीएससी है उसमें ले आए और वहां से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से वो करीब 6-7 बजे तक बीआरडी हॉस्पिटल पहुंच गए और हमने उस इमीजिएटली उनका सैंपल टेस्ट लिया क्योंकि उनके सिम्टम्स ऐसे थे। उनकी एक हेल्थ प्रॉब्लम की हिस्ट्री रही है, हाइपरटेंशन और ये आपको डॉक्टर्स बताएंगे, और उनका सैंपल पॉजिटिव निकला है। उनके साथ के जो भी लोग थे, जो उनके साथ दो लोग आए थे और जो उनका बेटा था जो उनको लेके आया था, उसका रिपोर्ट अभी नेगेटिव आया है, लेकिन हम लोग ने एहतियातन पूरे परिवार को और उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन मेडिकल क्वारंटाइन किया हुआ है और हम उसको टेस्ट को रिपीट करेंगे जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके हिसाब से, और हमारे जो कंटेनमेंट की स्ट्रेटजी है वो हमने पूरी कर दी है और हमने पूरे एरिया को सील किया हुआ है। जिला प्रशासन पूरा प्रयासरत है कि वहाँ पर सैनिटाइजिंग और स्वच्छता नंबर दो जो आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता है उसको पूरा दिया जाए होम डोर स्टेप पर, और तीसरा जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है तो 700 के ऊपर लगभग 717 घर हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं जो 1 किलोमीटर की पेरिफेरी में है और उन पर काम शुरू हो गया है। एक एक घर को हम सैनिटाइज करने के साथ साथ उनका हेल्थ चेकअप का काम कर रहे हैं और आशा करते हैं कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग दोनों टीम मिलके जो भी कार्रवाई की जानी है वहां पर करेंगे और हमें संक्रमण का बचाव, इस संक्रमण से इसका फैलाव ना हो और इससे बचाया जा सके ये हम प्रयास करेंगे। जो मरीज है वो अभी बीआरडी में है, आशा करते हैं कि उनका भी हम उनकी कंडीशन काफ़ी सीरियस है लेकिन आशा करते हैं कि वो भी ठीक हो जाएंगे। सर आगे जो मरीज दिल्ली से मरीज आ गया आगे के लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, एम्बुलेंस जो है आवश्यक सेवाओं में आता है और एम्बुलेंस के मूवमेंट पर ऐसा कोई रोक नहीं है। हाँ, निर्देश ये थे कि ज़रा एम्बुलेंस को भी चेक किया जाए, एम्बुलेंस की आड़ में कोई ऐसा ना हो कि कोई अलग व्यक्ति बैठ के आ जाए या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको सीधे गाँव नहीं जाना चाहिए, उसको हॉस्पिटल में होना चाहिए उस, तो वो थोड़ा सा चीज़ हैं जिस पर और ध्यान देने की ज़रूरत है और ये हम लोगों ने पूरी कमिश्नरी में चारों जिलाधिकारियों और कप्तानों को कहा है कि इसको सुदृढ़ किया जाए कि जब एम्बुलेंस आ रही है तो उसको चेक किया जाए और निकटस्थ जो भी सरकारी हॉस्पिटल हो, पीएससी हो, सीएससी हो, वहाँ ले जाके एक बार डॉक्टर देख ले और उसके बाद यदि डॉक्टर ग्रीन सिग्नल देता है तो उनको घर ले जा सकते हैं। तो एक ये हम लोगों ने सीखा है और ये हम और सुदृढ़ करेंगे, इसके पहले भी आदेश थे लेकिन इसको हम और सुदृढ़ कर रहे हैं। सर जो साथ में उनका लड़का मेडिकल कॉलेज लाया था साथ में, उनका रिपोर्ट आ गया? हाँ, उनका रिपोर्ट नेगेटिव आ गया है और वो उनको हमने फिर भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया हुआ है। ठीक।